हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अधिक मास की मंगल में बधाई। सब जो है खूब ठाकुर जी की भक्ति करिए, इस मास में अधिक से अधिक पुण्य कमाइए, धर्म कमाइए। तो आप सभी हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। देखिए आज कितने प्यारे हमारे जो है ये बिहारी जी लग रहे हैं, बाल गोपाल जी। बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है इनका। तो इस वीडियो में जो है आपके साथ कुछ सवालों पर चर्चा करने वाले हैं, और अगर हाँ हो सका तो आपके साथ दीपदान शेयर करेंगे कि पुरुषोत्तम मास में हम कैसे जो है ठाकुर जी का नित्य दीपदान करते हैं, क्योंकि इस मास में जो है दीपदान करने की अनंत अनंत गुना महिमा, जितनी मैं कहूँ महिमा उतना ही कम है। कहते हैं कि कार्तिक मास में जब हम दीपदान करते हैं उसको जितना फल होता है उससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा जो है फल पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में दीपदान करने से मिलता है। तो चलिए, अगर आपको आज हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, साथ ही शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लीजिए वहां पर भी। चलिए आपके साथ कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, हेलो सर, मुझे ठाकुर जी का नाम जाप शुरू करना है, कौन सी माला लेनी चाहिए, श्यामा तुलसी माला या फिर रामा तुलसी माला, प्लीज बताएं। तो जी, ठाकुर जी का नाम जाप करने के लिए तुलसी माला अनिवार्य होती है। ये जरूरी नहीं है कि कौन सी हो, रामा तुलसी श्यामा तुलसी, जो भी आपको तुलसी माला मिल जाए वो ले लीजिए। अब हम आपको जो है अपनी माला दिखाते हैं। देखिए हमारी माला कैसे इस प्रकार की माला है। तो आप इस प्रकार की जो ये माला होती है तुलसी माला, सर्पाकार माला होती है, मतलब इसमें जो है मोती बराबर की नहीं होते हैं, बढ़ते जाते हैं। जैसे कि यहाँ से आप देखेंगे छोटे मोती हैं, फिर अंत में बड़े मोती हैं। तो इस प्रकार की जो है जब की माला होती है, तो आप जब माला ले नहीं अपनी तुलसी जी की माला, तो उसको जो है कम से कम पहले 10 से 15 दिन सरसों के तेल में रख दें, जिससे कि माला आपकी एकदम प्रूफ हो जाएगी, जिससे कि कभी टूटेगी नहीं। जो मनके टूट जाते हैं माला के, कच्चे रहते हैं क्योंकि तुलसी जी की माला के मनके, तो वो टूटेंगे नहीं अगर आप उसको तुलसी जी उसमें सरसों के तेल में रख देंगे तो। तब की माला काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो आप जो है कोई भी माला ले सकते हैं, पर वैष्णव के लिए सर्वश्रेष्ठ माला जो है तुलसी माला बनाइए जाप करने के लिए। तो आपका जो सवाल हो गया है। तो एक बात और, अगर आपको क्वेश्चन पर अगर हार्ट मिल गया, रिप्लाई नहीं मिला, तो समझिएगा कि आपकी जो है क्वेश्चन का रिप्लाई वीडियो में हो गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का रिप्लाई बॉक्स में देना बहुत डिफिकल्ट होता है, और वीडियो के माध्यम से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जैसे बहुत से लोगों की क्वेश्चन जिज्ञासा सेम होती है, तो अगर हम किसी को जो है रिप्लाई बॉक्स में देंगे तो फिर समझ रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा लोग लाभान्वित नहीं हो पाएंगे इस चीज़ का। तो इसलिए हमने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आपको सवालों के जवाब दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा जन तक पहुँचेगा वो चीज़। अगला सवाल है, आपके विग्रह कितने साइज के हैं प्रभु जी? तो हमारी जो राधा गोविंद देव जी हैं वो 10 इंचेस में विग्रह हैं, विद जो इनके लोटस फीट्स के साथ, चरण कमल जो बोलते हैं उसके साथ। और हमारे जो बिहारी जी हैं वो 5 नंबर के, मतलब 5 नंबर के गोपाल जी हैं। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है पूजा कालरा जी का, कि कुछ लोग बोलते हैं कि एक से ज़्यादा सालग्राम नहीं रखते हैं, आप बताएं। तो ऐसा है कि लोग तो भाई बोलते हैं, पर हमने ऐसा भी सुना है संतों के मुख से कि जहाँ पर द्वादश शालिग्राम होते हैं वहाँ पर, मतलब जहाँ पर 12 शालिग्राम होते हैं वो एक महा तीर्थ बन जाता है। जो घर जहाँ पर आपने देखा होगा, एक संत हैं वृंदावन मलुकपीठ महाराज जी, सबको ही पता होगा ज़्यादातर, तो वहाँ पर उनके आश्रम में 125,000 शालिग्राम है। तो सोचिए कितनी अनंत महिमा होती है। ऐसा होता है कि शालिग्राम जी एक रख सकते हैं हम, दो नहीं रख सकते, तीन नहीं रख सकते, उसके बाद सम संख्या में रख सकते हैं, मतलब लाइक 4, 6, 8 ऐसे रख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा शालिग्राम रख सकते हैं, तो क्योंकि शालिग्राम भगवान साक्षात नारायण है, जैसे कि नर्मदेश्वर भगवान साक्षात महादेव है, उसी प्रकार से शालिग्राम भगवान जो है साक्षात नारायण है। तो इसमें हमें भेद नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोग बोलते हैं कि स्त्रियों को सेवा नहीं करना चाहिए, भाई शालिग्राम भगवान की हर कोई सेवा कर सकता है, बस इतनी सी शर्त है कि उसका आहार शुद्ध हो, उसके विचार शुद्ध हो, उसका मन शुद्ध हो। ये आपका सवाल भी हो गया। अब तो नेक्स्ट सवाल भी लेते हैं, भैया राधे राधे, सावन में जो अष्टमी आ रही है उसमें व्रत शुरू कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप सावन में जो है अष्टमी का व्रत शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसका बस ये सब रिप्लाई दे देते हैं जिससे कि वो समझ जाएं, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कोई वीडियो ना देख पाए तो। उसके बाद देखिए, दुर्गा जी के 27 नेम्स कौन से हैं? तो दुर्गा जी के तो 108 नाम है, 32 नाम हो सकता है आप 32 नाम समझ रहे हो, तो दुर्गा जी के जो है 32 नाम होते हैं, तो वो आपको दुर्गा सप्तशती पाठ के अंदर मिल जाएंगे। तो आप लड्डू गोपाल जी का सामान कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? सामान तो जैसे है कि बॉक्सेस में, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हम ऐसे ही ऑर्गेनाइज करते हैं, बस जैसे बॉक्सेस में प्रॉपर, जैसे कि हम आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो है ठाकुर जी के कुछ ऐसा आइटम ऐसा रहता है, कुछ स्टोन्स क्या ठाकुर जी के बॉक्स में रहते हैं, उसके बाद ये कुछ नया बॉक्स है, ये कुछ स्टोन्स वगैरह जो ठाकुर जी के श्रृंगार में आते हैं,
प्रकार से ही रहता है सारा सामान। ये देखिए ठाकुर जी के अटैचमेंट सारे हैं, तो अगर आप चैनल पर अच्छे से देखेंगे तो आपको ठाकुर जी के रिलेटेड मिल जाएंगे वीडियोस, तो वहां पर जाके देख सकते हैं। आपने ये सब शॉपिंग कहाँ से किया था वृंदावन में बताइए? तो ये शॉपिंग जो है हमने परिक्रमा मार्ग से किया था, कुछ लोई बाजार से किया था, तो कोई एक शॉप फिक्स नहीं है कि वहीं से सामान लेते हैं, जहाँ सामान जो पसंद आता है वहां से लेते हैं। और कभी जो है अगर आप वृंदावन जो है एकादशी के दिन जाते हैं, तो जब आप परिक्रमा देते हैं तो परिक्रमा मार्ग में इतनी सारी दुकानें लगती हैं, उन पर इतना अच्छा सामान और इतनी अच्छी रेट में मिलता है कि आप लोग वहां से जाके ला सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, राधे राधे जय श्री कृष्णा, प्रभु हमें शालिग्राम जी घर में लाने हैं, कहाँ से मिलेंगे प्लीज बताएं, आप हमें आप हमारी हेल्प करिए प्लीज। तो जो शालिग्राम भगवान है, वैसे तो देखिए शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि हमको शालिग्राम भगवान खरीदने और बेचने नहीं चाहिए, पर क्योंकि अभी कलयुग है, यहाँ पर कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, तो आप उसको एक सेवा भाव के हिसाब से बोल सकते हैं। उसको ये मत बोलिए कि हम खरीद रहे हैं, उसके बोलिए कि हम सेवा ले रहे हैं। मतलब आप कुछ ऐसा इंतज़ाम करिए कि वो पैसे खरीदने में ना आए। तो इस हिसाब से जो है आपको जो हम ठाकुर जी की सेवा लाते हैं शालिग्राम भगवान की, वो वृंदावन से भी या कभी कभी संत जनों से भी सेवा मिल जाती है। तो अगर देख सकते हैं, अगर आप वृंदावन जाए तो वहाँ से श्री शालिग्राम भगवान की सेवा आप लेके आ सकते हैं। तो देख लीजिए आप, जैसे वैसे कभी कभी जो है जो लोग गंडकी क्षेत्र जाते हैं, नेपाल में गंडकी क्षेत्र जो बोलते हैं, वहाँ से भी काफ़ी लोग लेके आते हैं खट्टे में, तो आप उनसे भी जो है संपर्क करके ले सकते हैं शालिग्राम भगवान। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो एक सवाल और है, मम्मी हरिद्वार केदारनाथ यात्रा पर जाने पड़ेगा, लड्डू गोपाल जी की यात्रा कैसे करें, प्लीज़ सेवा कैसे करें, स्नान कैसे करें। तो देखिए वैसे तो लड्डू गोपाल जी को ले जाना इतना सही नहीं है यात्राओं पर, क्योंकि बहुत असुविधा होती है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही असुविधा होगी, क्योंकि ये दिन जो यात्रा है आपकी, कम से कम ट्रेन में ही आपको 24 घंटे से ज़्यादा रुकना पड़ेगा, जिससे कि ठाकुर जी के स्नान पर आपकी भी इसमें पवित्रता नहीं रहेगी इन चीज़ों में, क्योंकि वॉशरूम वगैरह जाने से पवित्रता बेकार हो जाती है। तो ठाकुर जी को घर पर ही आप अपने घर सौंप के जाएँ और उनको जो है उनके पास कुछ भोजन प्रसादी की व्यवस्था करके जाएँ, उनके पास जल रख के जाएँ, या फिर आपके पास कोई ऐसा रहता हो जो ठाकुर जी की सेवा कर सके उतने दिनों तक, तो आप ठाकुर जी की सेवा उनको दे सकते हैं, या फिर कोई आपके घर पर रुक जाए। तो मतलब आपको देखना है कि कैसे आपको अरेंज करना है ये, बाकी नहीं अगर कुछ नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन में आप ठाकुर जी के पास कुछ सूखे मेवे और कुछ बना के रख के जाइए, जैसे लड्डू है, मठरी है, जो कि ख़राब नहीं होते काफ़ी दिनों तक, और जल का एक बड़ा कलश रख के जाइए, उसमें ठाकुर जी के लिए जल रख के जाइए, तुलसी जी के पात्र डाल के जाइए और गौ माता से प्रार्थना करिए और यशोदा मैया को बोल के जाइए कि मैया हम आपके लाला की सेवा नहीं कर पा रहे इतने दिनों तक, तो आप भाव, क्योंकि देखिए सारा खेल भाव का ही है, तो आप इस प्रकार से प्रार्थना करके ठाकुर जी से और उनकी मैया से, गौ माता से, अष्ट सखियों से, राधा रानी से सबसे प्रार्थना करिए, तो बस उतने दिनों का जो है सेवा। और हाँ, मानसिक सेवा करती रहिए, क्योंकि मानसिक सेवा का सबसे बड़ा प्रभाव है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, ठाकुर जी आपके घर पर ही हैं, तो उनकी मानसिक सेवा करिए कि हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, हम ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, तो क्योंकि जो मानसिक सेवा होती है वो सीधा ठाकुर जी तक लगती है। तो ऐसे जो है आप सेवा करिए ठाकुर जी की, तो क्योंकि यात्राओं पर ठाकुर जी को अगर आप ले जाएंगे, और क्योंकि अगर जैसे कि कभी अगर आपने अशुद्ध अवस्था में ठाकुर जी को स्पर्श कर लिया, तो इससे आपको सेवा अपराध लगेगा। इसलिए हम हमारी जितनी भी संतजन है वो मना करते हैं कि ठाकुर जी कहीं ना लिया जाए। आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी ठाकुर जी कैसे यात्रा पर ले गए हैं, तो आपने देखा होगा उसमें हमने कितनी सारी तैयारी करी है कि उनको ठाकुर जी को कष्ट ना हो, और वो यात्रा छोटी अवधि के लिए, जैसे कि 6 घंटे के लिए जा रहे हैं आप, ट्रेन का सफ़र 6 घंटे का, फिर आप जाके किसी घर पर, जैसे कि हम अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, तो उनके यहाँ प्रॉपर व्यवस्था हो जाती है ठाकुर जी की, इसलिए हम कभी जब जाते हैं लेके जाते हैं, नहीं तो हम घर पर ही ठाकुर जी को छोड़ के जाते हैं, जिससे कि ठाकुर जी को कष्ट ना हो, उनको श्रम ना पहुँचे। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं, क्या हम युगल सरकार को भी ले जा सकते हैं यात्रा पर? तो जी नहीं, युगल सरकार जी को हो सके तो घर पर रख के जाइए, क्योंकि वही बात है फिर से कि ठाकुर जी को ले जाने उनको कष्ट होगा, उसमें हम नहीं चाहते कि ठाकुर जी को कोई भी कष्ट और आपको कोई सेवा अपराध लगे, तो इस भाव का आप ध्यान रखिए, क्योंकि ले जाने में बहुत तकलीफ होती है ठाकुर जी को भी। राधे राधे जी, क्या लड़के युगल राधा रानी को सिंदूर लगा सकते हैं और मंगलसूत्र पहना सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि राधा रानी की जब कोई सेवा करता है तो वो एक सखी के भाव से सेवा होती है। जितने भी वृंदावन में आपने देखा होगा, जितने भी यहाँ पर भी श्री जी की सेवा है, तो वो सब जो है गोपी भाव से सेवा होती है ठाकुर जी राधा रानी की, क्योंकि कहते हैं ना कि रास में भगवान स्वयं एक ही भगवान पुरुषोत्तम ही हैं, बाकी सब गोपियाँ ही हैं। तो इस भाव से जो है राधा रानी की सेवा कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं कि राधा रानी को स्नान श्रृंगार करा सकते हैं लड़के? तो जी करा सकते हैं, क्योंकि
अगर हम राधा रानी को सखी के भाव से देखें तो हमारी वैसे बहन है, माता है, गुरु है, इस प्रकार से अगर हम मान के सेवा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखा ही है वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं जहाँ पर श्री जी की सेवा है वहाँ पर सब गोस्वाई जन जो भी लड़के ही होते हैं, पुरुष ही होते हैं, पुरुष वर्ग, तो वो सेवा कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और कोई शंका रख के मन में सेवा मत करिए, बस ठाकुर जी की प्रेम भाव से सेवा करिए। और हाँ जी, लगा सकते हैं और पहना सकते हैं, देखिए हमने भी पहना रखा है श्री जी को मंगलसूत्र और ये सिंदूर। तो आपके पास 3 शालिग्राम क्यों हैं आपके पास, तो इसका जवाब भी आपको मिल ही गया होगा कि 3 शालिग्राम जी क्यों थे। एक प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखिए नरसिंह देव और हनुमान जी में क्या अंतर है। डर एंगर जस्टिस के लिए हम भगवान जी की उपासना करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा बताएं नरसिंह देव को जी के बारे में बताएं। तो देखिए आपको नरसिंह देव दिखाते हैं, तो ये है नरसिंह देव जी, देखिए ये हैं लक्ष्मी नरसिंह भगवान जो कि हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। और भगवान इसी अधिक मास में प्रकट हुए थे क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में से नहीं मरूंगा, तो भगवान ने स्पेशली 13वां महीने जो कि पुरुषोत्तम मास को बनाया था। और भगवान प्रहलाद की जो है रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं खंभे से प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान। तो ये नरसिंह भगवान भगवान विष्णु के अवतार हैं। और हनुमान जी जो है आपको दिखाते हैं, हनुमान जी जो है शिव भगवान के अवतार हैं जो कि 11वें रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी हैं। और भगवान विष्णु के अवतार जो है नरसिंह देव जो हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो है हनुमान जी का प्रागट्य पूर्णिमा के दिन हुआ है, और नरसिंह देव जी का प्रागट्य वैशाख चतुर्दशी के दिन हुआ है, शुक्ल चतुर्दशी के दिन जिस दिन नरसिंह जयंती होती है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये भी। एक प्रश्न और लेते हैं चलिए। हर हर महादेव, भैया मुझे शिव जी और दुर्गा जी की इंडिविजुअल फोटो रखने का मन है अपनी पूजा में, पर मेरा शिव परिवार की फोटो रखने का भी मन है, पर ऐसे में शिव जी और दुर्गा जी की 2 फोटो हो जाएंगी मेरे पूजा स्थान में, तो मैं क्या करूं? ऐसा इसलिए भैया क्योंकि मैं शिव जी का मंत्र जपती हूं, तो उनकी फोटो ध्यान मुद्रा वाली देखकर मंत्र जपूं, और दुर्गा जी का भी पाठ करती हूं, इसलिए दोनों का अलग अलग फोटो रखना चाहती हूं। आप बताएं ऐसा कर सकते हैं क्या? तो आप कह रहे हैं कि आपको अलग अलग आप चाहें तो रख सकते हैं, इसमें तो बिल्कुल आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है कि अगर आप ठाकुर जी मतलब भगवान का जो है ये जो फोटो है वो रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जैसे हमारे पास शिव परिवार है छोटा सा, तो हमने भगवान शंकर की ऐसे फोटो रख रखी है प्रतीकात्मक रूप में, और माँ कैला देवी भी विराजित हैं, तो आप रख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। और अगर आपके पास शिव परिवार की फोटो है तो उसमें जो माँ गौरी है वो साक्षात माँ दुर्गा ही है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती सब गौरी माता ही है, तो आप उसी का दिमाग से भेद निकाल दीजिए। क्योंकि जैसे ये माँ गौरी इस फोटो में आप देखिए, आप जैसे शिव परिवार की फोटो है इसमें जैसे माँ गौरी है वही माँ महाकाली है, वही माँ लक्ष्मी है, वही माँ सरस्वती है, तो इस बात का बिल्कुल भेद मत रखिए। क्योंकि हम भी ऐसे करते हैं, जैसे हमारे पास शिव परिवार में हमने देखी है इस तरह की माता रानी है, तो इनको ही हम माँ गौरी के रूप में शिव परिवार के साथ रखते हैं। तो इस बात का भेद मत रखिए दिमाग में, क्योंकि दिमाग में जितने वहम पालेंगे उतने ही वहम पलते जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, आप ऐसा रख सकते हैं, और आप शिव परिवार की भी अकेले रख सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते हैं, कोई इसमें आप शंका मत रखिए मन में। तो आज के लिए सवाल मेरे हिसाब से, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठाकुर जी के दर्शन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। अभी आपके साथ मिलेंगे दीपदान की वीडियो के साथ। जय जय श्री राधे। तो चलिए अब जानते हैं कि ठाकुर जी के सामने दीपदान कैसे करते हैं। तो दीपदान जो है आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, या फिर संध्या के समय प्रदोष काल गोधूली बेला जो होती है उसके बाद जो है दीपदान कर सकते हैं। तो दीपदान के लिए एक दीपक लेना है, उसमें बत्ती लगाइए घी की, गाय के शुद्ध देसी घी की, अगर अब वो नहीं है तो फिर तिल का तेल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से दीपक तैयार करें। संध्या आरती अलग होती है, संध्या आरती से पहले या बाद में जो है दीपदान कर सकते हैं। दीपदान को आप प्रज्वलित करेंगे, दीपदान को प्रज्वलित करिए ठाकुर जी के किसी भी स्त्रोत्र आदि के साथ। ठाकुर जी की स्तुति आपको जो प्रिय लगे, जैसे कि कार्तिक मास में हम दामोदर अष्टक से करते हैं, तो आप पुरुषोत्तम मास में जो है आप मंगल गीत शुद्ध कमला कुछ से कर सकते हैं, या फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र से, या फिर राधे कृष्ण महामंत्र से, जो भी आपका मंत्र हो संकीर्तन मंत्र, आप उससे जो है ठाकुर जी के सामने दीप दिखाइए। तो ठाकुर जी को दीप दिखाते ऐसे हैं कि 4 बार ठाकुर जी के श्री चरणों में, 2 बार वक्षस्थल पर, 3 बार मुखारविंद पर, और 7 बार सर्वांग, इस प्रकार से दीपक दिखाते हैं ठाकुर जी को। उसके बाद इस दीपक को अपनी जगह स्थान पर रख देते हैं,
और बस मन में छूक कहते हैं कि ठाकुर जी के समक्ष दीपदान समर्पयामी। तो इस प्रकार से दीपदान होता है, किसी भी महीने में आप इस प्रकार से दीपदान कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, गौशाला में कर सकते हैं, किसी भी देवस्थान पर जो है आप दीपदान ठाकुर जी के समक्ष पुरुषोत्तम मास में अवश्य करना, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर संध्या आरती अलग से करते हैं, तो इस बात का कन्फ्यूजन आपके साथ में क्लियर हो गया होगा। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो से, तब तक के लिए हरे कृष्ण राधे राधे, श्री राधा रमन लाल की जय।